हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्चर्स। वी विल एनालाइज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ वाई एंड चेंज इन वाई। साथ ही साथ हम लोग मैक्सपेन पीसीआर, इंडिया वीक्स के डेटा और ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग, जो कि आपको दिखेगा 31,225 पे फर्स्ट जनवरी की क्लोजिंग है। और हम बात करेंगे 7 जनवरी की एक्सपायरी की। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच का रेंज आपका ट्रेडिंग रेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाईएस्ट रेसिस्टेंस वाला स्ट्राइक, हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेसिस्टेंस देता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, और इसके लिए इस कॉलम्स होकर गुजरेंगे तो देखेंगे किस जगह पे करीब 11,34,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखेंगे तो 5,91,000 का 31,500 का स्ट्राइक है। तो ये स्ट्राइक हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे इस जगह पे करीब 8,42,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखेंगे तो 2,64,000 का एडिशन है, स्ट्राइक है 32,000 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो इस जगह पे हमें इमीडिएट रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जहाँ करीब 5,42,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखिए तो करीब 3,35,000 का स्ट्राइक है 31,300 का। तो ये सब जो भी स्ट्राइक आपको दिखे, ये बैंक निफ्टी को रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है तो इन सब लेवल को ध्यान में रखें। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है, तो देखेंगे इस कॉलम्स होकर गुजरे तो देखेंगे कि इस जगह करीब 37,35,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और एडिशन देखेंगे तो 4,22,000 का स्ट्राइक है 30,000 का। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन हाईएस्ट सपोर्ट हमें इस जगह देखने को मिल रहा है। 7,73,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 4,02,000 का, स्ट्राइक 31,000 का। तो स्ट्राइक जो 31,000 का है वो हाईएस्ट सपोर्ट दे रहा है, और सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट हमें 30,000 के स्ट्राइक पर मिल रहा है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। और रेंज की बात करेंगे तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी काफ़ी टाइट रेंज में दिख रहा है, और वो जो रेंज है वो आपको दिखेगा 31,000 से लेके 31,500 तक का रेंज है। बहुत ही टाइट रेंज, 500 का रेंज है बैंक निफ्टी का, 31,000 से लेके 31,500 का। पिवट स्ट्राइक की बात करें तो 31,300 पिवट स्ट्राइक है। इधर देखेंगे तो 5,42,000 का ओपन इंटरेस्ट, इधर देखेंगे तो 2,70,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके नीचे गया तो 31,000 की तरफ, और इसके ऊपर रहा तो 31,500 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल और बिगर मूव हमें देखने को तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी इस रेंज को 31,000 से 31,500 के रेंज को ब्रेक करता है, ऊपर या नीचे। ऊपर ब्रेक करेगा तो करीब हमें 500 का मूव नीचे की तरफ मिलेगा 30,500 तक का। ऊपर ब्रेक किया तो हमें 500 तक पॉइंट का मूव मिलेगा 32,000 तक का। तो ये एक ऐसा लेवल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करेगा, याद रखिए कि अभी रेंज में है बैंक निफ्टी, और जब इस रेंज को ब्रेक करेगा, इफेक्टिवली ब्रेक करेगा, तो हम ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा या नीचे की तरफ मूव देखेंगे। तो इस लेवल पे आपको एग्रेसिव ना शॉर्ट होना है, एग्रेसिव ना लॉन्ग होना है बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर नेट चेंज की हम बात करेंगे, इस जगह नेट चेंज आपको देखने को मिलेगा कि जबरदस्त तरीके का कॉल राइटिंग हुआ है, जबरदस्त तरीके का कॉल राइटिंग हुआ है। और वैसे ही आपको दिखेगा इस जगह पे कि जबरदस्त तरीके का पुट राइटिंग हुआ है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी रेंज में है, और पिछले कई दिनों से रेंज में ही चल रहा है, और आगे भी एक इंडिकेशन है कि ये रेंज में रहेगा। तो जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करता है,
तब तक हमें किसी भी साइड नीचे या ऊपर कहीं भी एक बिगर मूव की उम्मीद नहीं है, और जब तक इस रेंज में रहेगा तो छोटा मोटा मूव हमें देखने को मिलेगा। प्रीमियम मीटिंग चलेगी जैसे पिछले दिनों चल रही थी। और अब हम लोग आप बाकी और डेटा चेक करने के लिए वेबसाइट पर चले, उसके पहले हम लोग निफ्टी पर चलेंगे और निफ्टी का डेटा को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के क्लोजिंग को चेक करेंगे कि निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, और उसके बाद और सब डेटा चेक करेंगे। तो अगर देखें निफ्टी की क्लोजिंग तो 14,018 पे हुई है, 1 जनवरी की क्लोजिंग है, और 7 जनवरी की एक्सपायरी की हम लोग बात करेंगे अभी फिलहाल। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, जो कि होती है हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेसिस्टेंस, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश किया तो। इसके लिए इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे कि 27,80,000 का ओपन प्रेस हमें यहाँ पे खड़ा मिलेगा, 7,47,000 का एडिशन है और स्ट्राइक है 14,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। और इसके थोड़े नीचे जाएंगे तो देखेंगे 27,00,000 का ओपन प्रेस यहाँ भी खड़ा है। एडिशन देखिए अपने आप में ह्यूज, करीब 12,00,000 का, स्ट्राइक है 14,200 का, जो एक इंडिकेशन है कि अभी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन रहा है निफ्टी के लिए। एक और चीज़ आप देखेंगे कि इन सब स्ट्राइक में जहाँ भी आपको दिखेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, मतलब ये जो जोन है 14,000 से ऊपर 2,300 points का जोन, इसमें काफ़ी रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी के ऊपर। तो इन सब जोन से थोड़ा सा हमें संभल के रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखें कि कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है तो देखेंगे कि हाईएस्ट सपोर्ट हमें इस जगह देखने को मिल रहा है, 25,00,000 का ओपन ट्रेस खड़ा है। एडिशन देखेंगे तो 12,00,000 का एडिशन एक ही दिन में हुआ है और स्ट्राइक है 14,000 का, तो ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज सपोर्ट भी बना है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ 20,00,000 का ओपन ट्रेस मिलेगा, और इधर देखेंगे तो 6,70,000 का एडिशन मिलेगा, स्ट्राइक 13,900 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। एक और चीज़ आप देखेंगे कि इधर भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मतलब निफ्टी कहीं भी अभी फिलहाल भागने वाला नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, ये भी रेंज पे दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से। अगर हम रेंज की बात करें कि निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है, तो 13,900 से लेके 14,100 और 14,200 का एक रेंज दिख रहा है, और बीच में जो पिवट स्ट्राइक है वो 14,000 का स्ट्राइक है। 14,000 स्ट्राइक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, आप इसको ध्यान में रखिए कि क्यों इम्पोर्टेंट लेवल है। एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसी जगह पे हमें हाईएस्ट कॉल, हाईएस्ट रेसिस्टेंस और हाईएस्ट सपोर्ट भी इसी जगह पे मिल रहा है, और यही हमारे लिए पिवट स्ट्राइक भी है। तो यह एक तरह से निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, बढ़िया ब्रेकआउट आया तो। इसके नीचे पिछला तो हम लोग 13,900 की तरफ, इसके ऊपर आया तो 14,100, उसके बाद 14,200 की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको जो लेवल ध्यान में रखना है वो 14,000 का लेवल निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो देखेंगे थोड़ी सी कॉल बाइंग और उसके बाद कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, तो ये इंडिकेशन है। और इधर देखेंगे तो पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है, ये इंडिकेशन है कि जो निफ्टी है वो रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ है। दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी में आप देखते तो रेंज बाउंड था, टोटली रेंज बाउंड था, और आपका निफ्टी पे देखेंगे तो रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ है। तो ये भी बता रहा है कि हमने निफ्टी थोड़े से रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 14,000 का है, जिसको आपको ध्यान रखना है। आप चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर जहाँ हम लोग बाकी और सब डेटा को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आ गए हम लोग अपने वेबसाइट के ऊपर, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में कि आप भी देख पाएँ। तो यहाँ अगर देखेंगे
तो इंडिया भी सबसे पहले चेक करेंगे तो करीब 7.5% का फॉल देखने को मिला है, काफ़ी बढ़िया है। इंडिया विक्स में जितना अच्छा फॉल हमें देखने को मिलेगा या बुल्स को उतना सपोर्ट करेगा, मार्केट को उतना रैली देगा और पुश करेगा ऊपर की तरफ। तो इतने फॉल के बाद इंडिया विक्स जो है 20 के अंदर आ गया, जो काफ़ी अच्छा है, बुल्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। दूसरी तरफ अगर मैक्सपेन की बात करेंगे तो मैक्सपेन कॉन्स्टेंट बैंक निफ्टी का इंडिकेशन है कि रेंज है, बैंक निफ्टी पर रेंज है। निफ्टी पर देखेंगे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव आपको निफ्टी पे दिखेगा, मैक्स पेन पे भी निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा। पीसीआर को देखेंगे तो वो रेंज वाला ही है, रेंज वाले लेवल पे है, मतलब मीडियन में है, ना हायर लेवल की तरफ है ना लोअर लेवल की तरफ है, मीडियन में है, जो इंडिकेट कर रहा है कि रेंज बाउंड रह सकता है निफ्टी आपका। दूसरी तरफ अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो ट्रेंड साइकिल देखने के जो मिल रहा है वो है आपका ट्रेंड साइकिल, आप देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से लॉन्ग 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 अनवाइंडिंग शॉर्ट शॉर्ट कवर, मतलब एक तरह से बैंक निफ्टी कंफ्यूज दिख रहा है और यही कंफ्यूजन के कारण वो रेंज में भी है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जाना किधर है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और निफ्टी को देखेंगे तो लॉन्ग काफ़ी अच्छा लॉन्ग हमें देखने को मिला है, उसके बाद शॉर्ट कवर देखने को मिला है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बैंक निफ्टी में कमजोरी है वो निफ्टी में भी आने लगी है। तो एक तरह से जो लीडरशिप आनी चाहिए वो बैंक निफ्टी से आएगी, अगर बैंक निफ्टी में हमें मजबूती देखने को मिलता है तो वह आपका निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट होगा, अगर बैंक निफ्टी में कमजोरी होगा तो निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये अभी जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है, स्पेशली जो निफ्टी खड़ा है, इस पे ना आपको एग्रेसिव लॉन्ग होना है, एग्रेसिव ना शॉर्ट होना है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो देता है, जो बैंक निफ्टी का ओपन, निफ्टी का ओपन टेस्ट बता रहा है कि थोड़े से टाइटनेस फील कर रहे हैं बुल्स, लेकिन वो कंफर्मेशन मिलेगा जब वो रेंज को ब्रेक करेगा, तो रेंज के ब्रेक करने के बाद हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। जब तक हम रेंज में हैं तब तक आप एग्रेसिव ना हो, ना ज़्यादा शॉर्ट हो जा ना ज़्यादा लॉन्ग हो, बैलेंस में रहे, ये रणनीति होनी चाहिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।